हेलो स्टूडेंट्स सो आई वेलकम यू ऑल अगेन इन द लेक्चर ऑफ द रिएजेंट सीरीज़ और इस रिएजेंट सीरीज़ की कड़ी में जो आज हमारे रिएजेंट है, वो है कार्बन मोनोक्साइड प्लस एच और एच मतलब हाइड्रोजन साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एच और दोनों के लिए जो कॉमन चीज है वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड साथियों ये पहले वाला रिएजेंट जिस रिएक्शन में इस्तेमाल होता है उस रिएक्शन का नाम है गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस और ऐसे ही हमारे पास में ये जो सेकंड आपको दिख रहा है इसका नाम है गाटरमैन रिएक्शन देखिए चाहिए आप गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस की बात करें या गाटरमेन रिएक्शन की बात करें ये दोनों ही रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का एग्जाम्पल है मतलब अगर ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन का एग्जाम्पल है तो यहां पर जो सब्सटेंस, एज ए सब्सट्रेट यूज होने वाला है वो बेंजीन होगा क्योंकि बेंजीन कौन सी रिएक्शन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो एक बार मैं आपको बताता हूं कि तीनों कैसे कंबाइन करेंगे और ये तीनों कैसे बहुत आसान रिएक्शन आज आप देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस ये कार्बन मोनोक्साइड है ठीक है साथ में एच है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड देखिए जो कार्बन मोनोक्साइड है उसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा पार्शियल कंप्लीटली नेगेटिव फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीटली पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज क्योंकि दोनों ही ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड बनाना सेकेंड पीरियड में फीचर है नाइट्रोजन का मतलब यहां पर कार्बन भी नाइट्रोजन होगा और ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन होगा कार्बन नाइट्रोजन होने के लिए नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और ऑक्सीजन के नाइट्रोजन होने के लिए पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तो आप अब कॉमन सेंस से बताइए कि जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो कौन क्या करने वाला है कॉमन सेंस की बात है कार्बन मोनोक्साइड में ये जो कार्बन है ये खुद के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा जिससे सी एल माइनस बाहर जाएगा और इसी रिएक्शन की हेल्प के लिए हमने लगाया है इस एल्यूमिनियम क्लोराइड को जो एट द एंड फॉर्म करेगा ए एल सी एल फोर माइनस यहां से जो आपके पास सब्सटेंस निकल के आया वो ये एच सी ट्रिपल बॉन्ड ओ पॉजिटिव अब आप देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन तो इसे सहन करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये कार्बन को रुला देगा इसकी बिल्कुल हालत खराब होने वाली है इससे इलेक्ट्रॉन नोच लेगा इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये खुद खुद भी परेशान है दैट आई एम इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड आई हैव पॉजिटिव चार्ज ये कैसे जायज़ है तो इन सारी परिस्थितियों के बीच ये आ, कार्बन अपने प्यारी बहन से सहायता मांगता है वो बहन जी हमारी बेंजीन, ठीक है बेंजीन जो कार्बन से मिलकर बनी हुई है ये मदर टेरेसा की तरह है तो जैसे ही कार्बन के चिल्लाने की आवाज़ रोने की आवाज़ इसको सुनाई देगी ये हाथों हाथ अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगी दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट इसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट और जैसे ही हमारी बहन जी के ऊपर यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब आप कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव का मतलब लोन पेयर होता है ये कॉमन सेंस है पहले समझा चुका हूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है और जैसे ही बेंजिल इलेक्ट्रॉन देगी ये हाथों हाथ ऑक्सीजन जो है वो खुश हो जाएगा मज़े आ गए क्योंकि कार्बन पाँच पॉइंट नहीं बना सकता किसी भी कीमत पर नहीं बना सकता आप जो चाहे परिस्थिति ले आएँ तो यहाँ पर आपके पास फाइनली कंडीशन कुछ ऐसी होगी ये बॉन्ड बना हुआ है यहाँ हाइड्रोजन है यहां डबल बॉन्ड ओ है यहां हाइड्रोजन है और बेंजीन लॉस्ट लॉस्ट एरोमेटिसिटी इस एरोमेटिसिटी को मैनेज करने के लिए अब बेंजीन क्या करेगा अब बेंजीन के पास में एल सी एल फोर माइनस है जिसमें ए एल सी एल फोर माइनस में क्या होता है एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है बन तो गया बहुत चीज़ें ऐसी होती है जब हम खा तो लेते हैं लेकिन वापस उल्टी करनी पड़ती डाइजेस्ट नहीं होती है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में भी कुछ ऐसा ही सीन है इसने सी एल माइनस को खा तो लिया है लेकिन इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है तो इसको निगल तो लिया लेकिन अब उगलना पड़ेगा तो बेसिकली फिर से ये आपके पास में बेसिकली एल सी एल थ्री और सी एल माइनस ही है बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव तो हाइपर कॉन्जुगेशन बेंजीन जो है इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई है तो खुद के एच प्लस को बाहर निकालेगी और जब एच प्लस को बाहर निकालेगी तो उस एच प्लस को खाने के लिए दौड़ेगा ये कौन सी एल और आपके पास में फॉर्मेशन हो जाएगा एच सी एल का एच सी एल आपके पास में वापस से फॉर्म हो जाएगा तो फिर यहाँ क्या होगा जैसे एच प्लस इन बाहर निकलेगा यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा इन दोनों में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो एट द एंड आपके पास में क्या बना This is known as your dear and very near benzaldehyde. तो आपको बात समझ में आई कि किस तरीके से रिएक्शन कैरी आउट हुई है इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें कुछ ऐसा हुआ आगे समझते हैं कोई बात नहीं है तो गाटरमान कोच हमने देख ली अब कोच के बाद में खिलाड़ी की बारी है एच सी एन थोड़ा एच सी एन का स्ट्रक्चर बेटर बना देते हैं आपकी सहूलियत के लिए एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन इन द प्रेजेंस ऑफ एच सी एल और तैयार बैठा है खाने के लिए एल्यूमिनियम क्लोराइड इसके पास लोन पेयर है आपको पता है एच सी एन बहुत कमज़ोर एसिड है जब एच सी एल के साथ में जाएगा तो एच सी एल तो इसको एच प्लस देगा ही देगा वो खट्टापन महसूस करवाएगा क्योंकि वो स्ट्रॉग एसिड है तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है यहाँ ट्रांसफर होगा तो सी एल माइनस को खींचने के लिए तैयार बैठा है ये ए एल सी एल थ्री और इधर ये नीचे गिर जाएगा ए एल सी एल फोर की फॉर्म में और यहां पर ये जो दो मिले थे आपस में मिलने के बाद में इन्होंने जो करामात करी है वो क्या करी है इन्होंने कुछ ये बना लिया एन पॉजिटिव चार्ज एच अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है ये कार्बन को रुला देगा हालांकि खुद भी परेशान है कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्यों भाई ऐसा क्यों तो ये सब चिल्लाने की आवाज़ जो है वो हमारी बहन जी मतलब बहनजी को सुनाई देगी और बहन जी हाथों हाथ इनका बंदोबस्त करेंगी कैसे करेंगी बहन जी के पास एक ही चारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगी जिससे बहन जी कन्वर्ट हो जाएगी इसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपके पास फॉर्म हो जाएगा कुछ ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन इज है कार्बन डबल बॉन्ड सी एच क्योंकि ये सी एच है डबल बॉन्ड एनएच ए एल सी एल फोर माइनस की प्रेजेंस में क्योंकि तो ये तो कुछ ऐसा ही है ये से छीन ले जाएगा H प्लस और फिर से एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाएगी इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं एल्ड इमीन एल्ड इमीन भी नहीं बोलेंगे तो सिर्फ इमीन तो कह ही देते हैं ठीक है डबल बॉन्डेड और जब आप इसका आपने जाना पहचाना इससे पहले भी इसको हमने स्टीफन रिएक्शन में बनाया था उस स्टीफन रिएक्शन में जब ये बना था तो इसका अपन हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं या हमने हाइड्रोलिसिस कैरी आउट किया तो इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है बेंजीन जो सी एच आपको दिख रहा है उसके ऊपर ओ एच ओ एच और ओ एच ओ एच आएंगे तो स्टेबल नहीं होगा और आपका प्यारा बेंजल डी तैयार है आपको पता है बेंजलडी किस में होता है बादाम के छिलके में होता है उसकी वजह से बादाम जो है उसका छिलका टॉक्सिक होता है और कड़वापन जो आता है बादाम में वो बेंजलडी हाइड की वजह से आता है तो बादाम खा रहे हो आप अगर बेंजलडी हाइड बना रहे हो तो खैर जो भी है ये सब बातें अपनी जगह है इट वॉज इन गाटरमान रिएक्शन ऑल राइट और ये गाटरमान कोच रिएक्शन ये हमारे प्यारे रिएजेंट सी ओ प्लस एच सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ एल सी एल थ्री इन एच सी एन प्लस एच सी एल इन द प्रजेंस ऑफ एल सी एल थ्री तो आज के लिए इतना ही है थैंक यू सो मच आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएँ कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा ताकि मैं पूरे इंतजाज़म के साथ में आपकी सहायता कर सकूँ थैंक यू